parts to be here. Yes, sir. OBS. So, good morning everyone. So today let's start some new news discussion. So today we are going to see the newspaper analysis and discussion on the news of 11th November. Okay. So the sources which are covered in these papers in these discussions are from Hindu, Indian Express, PIB and other relevant sources. For example, live mail के अगर कुछ important article होंगे तो हम खुद वहाँ से भी देख लेंगे. Okay, so आज हम देखेंगे topic Saffron Bowl of India और दूसरा एक topic है यहाँ पे देखेंगे हम Saffron Bowl of India देखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे ओके ये चाबहार पोर्ट एंड जालार डेलाराम हाईवे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज सैफरन बोल ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू नॉर्थ ईस्ट. अब ये क्या है? ओके ये क्या है? ओके द सैफरन बोल ऑफ इंडिया. सैफरन तो आपको पता होगा सैफरन क्या है. इट इज़ यूज इन कुकिंग. इट इज़ मेजरली यूज इन कुकिंग. तो सैफरन हमारा कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर से आता है. ओके उसकी कंडीशंस क्या है, कैसे ग्रो होता है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे. अब यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज कि जो सैफरन कल्टिवेशन जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में था वो अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी एक्सपांड हो गया है. ओके सो नाउ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे भी सैफरन कल्टिवेशन होगा. सो मेजरली वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जम्मू कश्मीर ओनली for saffron cultivation. Okay, so let's see now. Okay, अब यहाँ पे क्या एनालिसिस है कि यहाँ पे न्यूज़ में क्या दिया था कि प्लांट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम हैज़ बीन एक्लिमेटेड एंड नाउ फ्लावरिंग. तो मतलब यहाँ पे क्या जो जम्मू कश्मीर से जो भी सैफ्रॉन के प्लांट्स लेके गए थे वो कश्मीर में सिक्किम में लेके गए थे एंड दे वर सीइंग कि सिक्किम में वो ब्लूम जो फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ओके सो दे हैव नाउ बीन ब्लूमिंग. सो सैफ्रॉन नाउ अब सिक्किम में भी कल्टिवेट हो पाएगा. और कौन से प्रोविंस में? यांग प्रोविंस ओके ऑफ द सिक्किम. अब उसका क्या है कि दोनों का जो कंडीशन सेम है. अभी अगर कोई भी सॉइल उगाना होगा तो वी विल सी द सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंडीशन ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पे क्या बोला है कि दे हैव अ मैचिंग क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल कंडीशन. अब जैसे सॉइल सेम होगी, पीएच कंडीशन मतलब कितने एसिडिक, पीएच मतलब क्या, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन, ये देखा जाएगा. तो वो भी मैच हो रही है. ओके बिटवीन पाम्पोर एंड यांगयांग प्रोविंस ऑफ दिस, ये यांगयांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस सिक्किम. ओके अब ये पाम्पोर क्या है? पाम्पोर को ही कॉमनली बोला जाता है सैफ्रॉन बॉल ऑफ कश्मीर. तो बिकॉज इट इज़ दी पाम्पोर जो रीजन है वहाँ पे ही सैफ्रॉन ज़्यादा ग्रो किया जाता है. इट इज़ दी यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ दी सैफ्रॉन जहाँ इंडिया का जो है वो पाम्पोर रीजन से आता है. ओके तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सैफ्रॉन बॉल ऑफ द कश्मीर एज वेल एज इंडिया. ओके फिर उसके बाद दूसरे रीजन है बुडगाम रीजन, श्रीनगर है, किश्तवाड़ रीजन डिस्ट्रिक्ट है. ओके फिर इसके बाद क्या कंडीशन थी कि पाम्पोर का वही है कि दी पाम्पोर का जो सैफ्रॉन है वाई इट इज़ कंसिडर एज द बेस्ट, उसके प्रेजेंस है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोसिन है. जो क्रोसिन कंटेंट क्या है जो उसको कलर देता है, पहला ऑरेंज कलर, फिर उसके बाद उसका फ्लेवर. ओके फ्लेवर ओके और जो उसकी एसेंस है वो सब ये क्रोसिन कंटेंट से होता है. ओके और फिर आपको एक और चीज़ एक नोट करने की, सैफ्रॉन सिर्फ इंडिया में नहीं होता है. ओके सैफ्रॉन सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो इन ईरान. ओके इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन ईरान एज वेल. तो ईरान इज़ ऑल्सो अ मेजर सैफ्रॉन प्रोड्यूसिंग कंट्री. ओके बट ये है कि ईरान की जो क्वालिटी है सैफ्रॉन की, दैट इज़ नॉट हाई क्वालिटी. ओके, हाई क्वालिटी नहीं है। जो इंडियन सैफ्रॉन है, स्पेशली जो पैम्पोर रीजन का जो सैफ्रॉन है, इट इज़ कंसिडर एज दी मोस्ट ग्रेट क्वालिटी, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का सैफ्रॉन सिर्फ इंडिया के पैम्पोर रीजन में होता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज दी रोल्स रॉयस ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ रोल्स रॉयस ऑफ सैफ्रॉन। ओके, फिर ये देखेंगे कि जो पालमपुर में अपना एक CSIR इंस्टीट्यूट था, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, फिर वो टिश्यू कल्चर कर रहे थे। टिश्यू कल्चर से उन क्या करना चाह रहे थे कि डिजीज़ फ्री हेल्दी फ्लावरिंग साइज सैफ्रॉन क्रॉम्स। अब ये क्रॉम्स क्या है वो भी देखेंगे। ओके, तो अभी भी जब भी अगर कोई मेडिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या करेगी, हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी का वो प्लांट, जितने भी गुड क्वालिटी के प्लांट्स है उसके जो फीचर्स है वो जो नॉर्मल क्वालिटी है उसमें डालेगी। तो कैसे डालेगी, टिश्यू कल्चर से डालेगी। इसके सेल जैसे फॉर एग्जांपल गुड जो अच्छी क्वालिटी का प्लांट होगा और नॉर्मल क्वालिटी का प्लांट होगा, तो इसके सेल्स इसमें डाले जाएंगे। ओके, और फिर इससे क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नॉर्मल प्लांट में भी आ जाएंगे। ओके, तो टिश्यू कल्चर ये होगा बेसिकली। तो अगर जब सिर्फ क्वालिटी चेंज करें तो इससे हम ये भी करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ कि वो डिजीज़ फ्री हो, उस पर कोई फंगस बैक्टीरिया ना लगे। ओके, जो फ्लावर है वो अच्छे से ब्लूम हो। ओके, अच्छे से ब्लूम हो फ्लावर। तो वही जो सैफ्रॉन क्रॉम क्या है, उसका जो नीचे का एक बड होगा, आप जब भी देखोगे कि एक प्लांट उगता है तो पहले उसकी सीड में से जर्मिनेट होता है और फिर उसके बाद स्टेम, फिर जाके यहाँ पे एक बड होगा, फिर वहाँ से लीव निकलेगा, फिर वहाँ से फ्लावर निकलेगा। ओके, तो ये जो अंडर जो ग्राउंड के अंदर का जो हिस्सा है उसको क्रॉम्स बोल रहे हैं। ओके, तो वो अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, वहाँ पे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी टेस्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी टेस्ट कर रहे हैं, ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपना लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहे हैं और एज वेल एज तमिलनाडु में भी चेक कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे सक्सेसफुल कहाँ हुआ है, सिक्किम में हुआ है। ओके, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हुआ है। ओके, यही है। और फिर यहाँ पे क्रॉम का डेफिनेशन दिया है कि इट इज़ अ शॉर्ट वर्टिकल स्वोलन अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम दैट सर्व एज अ स्टोरेज ऑर्गन दैट सम प्लांट आर यूज। तो मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड के अंदर होगा, फिर यहाँ से ही उसकी स्टेम्स निकलेगी, फिर वो जो स्टेम्स है फिर यहाँ से इसको प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रिशंस मिलेगा और फिर वो फ्यूचर में जाके लीव डेवलप होगा और एक फ्लावर डेवलप होगा। ओके, तो ये है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्यों ये किया गया, क्यों कश्मीर से दूसरी जगह लेके जा रहा है सैफ्रॉन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनुअल डिमांड ऑफ सैफ्रॉन इन इंडिया इज़ ऑलमोस्ट 100 टन पर ईयर, बट हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 6 टन, तो काफ़ी लेस है। तो इसके वजह से क्या है, बिकॉज डिमांड इज़ ऑल्सो हाई। ओके, डिमांड इज़ हाई, सप्लाई इज़ लेस, तो मतलब प्राइस इज ऑल्सो विल बिकम हाई। तो इसलिए आप पूछोगे कि सैफ्रॉन एक्सपेंसिव क्यों हो गया इंडिया में, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। वी आर इम्पोर्टिंग ऑल्सो, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि करंट अकाउंट का जो बिल है, इम्पोर्ट जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल है वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग मोर सैफ्रॉन। तो उससे भी क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। इट इज़ ऑल्सो ये भी कंडीशन है। तो अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हम इम्पोर्ट कम करेंगे, तो उतना हमारा करंट ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल में भी कम बर्डन आएगा। तो ये भी एक रीज़न है। ओके, अब बिकॉज एक और चीज़ है कि अब क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग। अब देख रहे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज भी है जो अफेक्ट कर रहे हैं। जो ये 6 to 7 टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी एक ऑन एन एवरेज है, कभी हम 5 भी करते हैं, कभी हम साल में 4 भी करते हैं। बिकॉज ऑफ वॉट, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज़ है। और ईरान में क्या है, ईरान गिव प्रॉपर सपोर्ट, ईरान में सपोर्ट दिया जा रहा है टू कल्टिवेशन, यही है। फिर एक और फीचर क्या है इंडियन सैफ्रॉन की, दे हैव गिवन GI टैग। अब GI टैग क्या है, तो GI टैग का एक ट्रिप्स, WTO का एक ट्रिप्स मिशन होता है, ट्रेड ट्रिप्स मिशन के इसमें आपको एक GI टैग दिया जाएगा कि आपको। और GI टैग मतलब क्या कि ये जो सैफ्रॉन है, ओके, इट इज़ फ्रॉम इंडिया, ओनली। तो ये जैसे आपको कभी भी कुछ चीज़ ऑथेंटिकेट करने होगी कि हाँ ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है या मेड इन ये है, तो ये जीआई, तो वैसे ही राइस या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जीआई टैग दिया जाता है। ओके, टू सी टू चेक दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दी क्रॉप कि यस ये इंडिया से ही आया है। तो जो इंडियन ग्रेडेड सैफ्रॉन है इट इज़ ऑफ दी प्रीमियम क्वालिटी। तो ऐसा भी होगा कि जो ईरानियन एक्सपोर्टर होंगे वो क्लेम करेंगे नहीं हमारा ये जो सैफ्रॉन है इट इज़ इंडियन ग्रेडेड, फिर उसको प्रीमियम कैटेगरी का भी पैसा मिल जाएगा। ऐसा तो ईरानियन ऐसा करते थे। तो फिर वी आज WTO कि यस नहीं हमको जीआई टैग दे दो इंडियन सैफ्रॉन को, नाउ इंडियन सैफ्रॉन है जीआई टैग है। अगर ईरान के एक्सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं कि इट इज़ इंडिया का सैफ्रॉन है तो इंडियन एक्सपोर्टर विल केस कर सकता है ईरानियन। और अगर प्रूफ हो गया कि ये इंडिया का नाम लेके बेच रहे हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी, फाइनेंशियल सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट होगी, फीस वीस भरने पड़ेगी। तो ओके, इसलिए जीआई टैग इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार हम ट्रिप्स मिशन भी देख लेंगे। ट्रिप्स वर्ल्ड WTO अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड जीआई टैग्स आर व्हाट? जीआई टैग्स आर इंडिकेशन व्हिच आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट हैज originating in the territory where a given quality, reputation and characteristics of the product is essentially attributed to the geographical region। तो वही मैंने बोला कि अगर हमको देखना पड़ेगा कि yes it is from India तो कैसे पता चलेगा? GI टैग देखेंगे हम, GI टैग देखेंगे। अगर GI टैग होगा तो means it is from India। तो ऑथेंटिकेट कर रहे कि yes it is from the desired region। ओके, तो आई गेस ये भी क्लियर है। ओके, फिर क्लाइमेट चेंज एंड जोग्राफिकल कंडीशंस भी देखेंगे। क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द क्रॉप ऑल्सो। अब सैफ्रॉन क्या है कि सैफ्रॉन डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर एंड इरीगेशन इज असेंशियल फॉर द सैफ्रॉन। ओके, बिकॉज क्या फ्लावर है तो फ्लावर को पानी भी लगेगा और कंडीशन भी उसके एडुकेट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी कंडीशन एडुकेट नहीं रही तो फ्लावर क्या है, फ्लावर को डैमेज हो जाएगा। एंड डैमेज बेसिकली सैफ्रॉन क्या है कि एक फ्लावर है, एक मिनट, बेसिकली एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर एक बर्ड्स होंगे। तो ये जो बर्ड्स है इसको हम फ्लावर के अंदर एक ऐसी छोटी छोटी डंडियाँ होती है, ये डंडी को हम सैफ्रॉन बोलते हैं। ओके, तो सैफ्रॉन के लिए उसका फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लावर नहीं आएगा तो हमको सैफ्रॉन नहीं मिलेगा। ओके, तो फ्लावर आने के लिए द कंडीशन शुड बी सुप्रीम कंडीशन होनी चाहिए। तो वही बोला गया कि बिकॉज ऑफ अब उसकी कंडीशन क्या है टू ग्रो सैफ्रॉन। पहले क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट होना चाहिए विथ सनी डेज, फ्लावरिंग पीरियड इज फेवरेबल फॉर गुड यील्ड्स। तो फ्लावरिंग पीरियड के लिए क्या होगा, टेम्परेट क्लाइमेट होगा विथ सनी कंडीशन। रेन कहाँ होनी चाहिए, सेप्टेम्बर में होनी चाहिए। तो सेप्टेम्बर में होगी तो इरीगेशन भी मिल जाएगा लोगों को और रूट्स को पानी भी मिल जाएगा नेचुरली। ओके, और लोकेलिटी कवर्ड विथ स्नो ड्यूरिंग विंटर एट एल्टीट्यूड ऑफ 1500 to 2400 मीटर्स। ओके, सैफ्रॉन रिक्वायर्स मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल विथ गुड ड्रेनेज कैपेसिटी एंड सॉइल विथ न्यूट्रल रिएक्शन। तो मतलब न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है सैफ्रॉन की कि टेम्परेट क्लाइमेट हो पहले तो विथ सनी डेज। ओके, फिर एक रेन भी मिले ड्यूरिंग सेप्टेम्बर्स। ओके यार, हम बोल सकते हैं जब उसके फ्लावर ब्लूम होने वाले होंगे तब उसको रेन चाहिए, वाटर चाहिए। और एक और चीज़ क्या है कि चिलिंग, थोड़ा नाइट टाइम चिल हो, ज़्यादा भी ना हो। और दूसरा क्या है कि उसका जो सॉइल है उसका सॉइल का टेक्सचर क्या होना चाहिए, इट शुड हैव न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। और उसके साथ साथ शुड हैव मीडियम टेक्सचर, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। ओके, आई गेस सैफ्रॉन इज ऑल्सो अंडरस्टूड। ओके, तो फिफ्थ था कि एससीओ काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। अब फिफ्थ क्या है, 20th समिट ऑफ ये एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या है, ये क्या न्यूज़ में? अब एससीओ क्या है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ चाइना डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चाइना प्लस रशिया प्लस इनिशियली सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी माइनस तुर्कमेनिस्तान। ओके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी तो उसमें कौन हो गई? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तिर्गिस्तान, फिर ओके फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान हो गई, फिर उसके बाद चाइना, फिर रशिया आ गई। ओके, सेंट्रल एशिया और एक उज्बेकिस्तान भी है क्या? ये सब कंट्रीज मिलके बन गया SCO। फिर उसके बाद क्या हो गया? 2017 में बोला क्या कि नहीं, अब इंडिया एंड पाकिस्तान को भी मेंबर बना दो उसका SCO का। ओके, तो ये था, उसकी मीटिंग हुई है, 20th समिट हुई है। तो उसमें क्या बोला है कि इंडिया ने इसमें क्या है, इंडिया ने कमिट किया कि यस नाउ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे फोकस करेंगे और चाबहार पोर्ट और अशगाबाद एग्रीमेंट पे भी फोकस करेंगे। तो ये सब क्या है वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, व्हाट इज़ चाबहार पोर्ट एंड व्हाट इज़ अशगाबाद एग्रीमेंट। ओके, क्या है? अभी इंडिया ने भी एक्सटेंड किया है। अभी SCO का समिट देख लेंगे क्या, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द SCO समिट। तो बोला इंडिया इज एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू SCO। ओके, बोला है कि 2021 में SCO ईयर ऑफ कल्चर करेंगे। इंडिया ने बोला कि यस बिकॉज मेजरली साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्लस चाइना में बुद्धिज़्म भी था। ओके, बुद्धिज़्म भी है और इस्लाम भी है। तो इंडिया ने बोला कि लेट्स शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज कल्चर भी करेंगे इन द नेशनल म्यूजियम में और एक SCO फूड फेस्टिवल भी करेंगे। तो हमको जो कजाकिस्तान है, तिर्जिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ओके इसके खाने भी चखने को मिलेंगे एज वेल एज चाइनीज़ और रशियन फूड भी चखने को मिलेंगे एज वेल एज फिर उनको इंडियन फूड भी खाने का मौका मिलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट बढ़ेगा। ओके, ये है इंडिया ने बोला। फिर उन्होंने बोला कि अब एक वर्किंग ग्रुप ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप पे भी बनाएंगे बिकॉज इंडिया ने अब क्या है, स्टार्टअप, एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, वी आर एनकरेजिंग स्टार्टअप। तो उसने बोला कि यह स्टार्टअप पे भी फोकस करेंगे। तो SCO के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके जितने भी स्टार्टअप है और इंडिया के जो स्टार्टअप है, उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा। फिर एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात भी की गई है। इंडिया के ट्रेडिशंस में आपको पता ही होगा आयुष मेडिसिन है। ओके, वहाँ की भी कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन होगी तो उस पर भी डिस्कशन होगा, उस पर भी फोरम बनाया जाएगा। तो ये था। ओके, फिर आप देखेंगे कि चाबहार पोर्ट क्या है, डेलाराम जारांज हाईवे क्या है। ओके, अब चाबहार पोर्ट आपको पता है, इट इज़ एन ईरानियन पोर्ट। ओके, और उसको क्या है, इंडिया डेवलप कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी लोकेशन यहाँ पे, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, तो इसकी लोकेशन यहाँ पे है। ओके, अब लोकेशन इज क्यों इम्पोर्टेंट है, अब चाबहार पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज पहली चीज़ क्या है कि इंडियन शिप, ये जो इंडिया का पोर्ट है कांडला पोर्ट, ये अपने चाबहार पोर्ट को जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट भी है, ग्वादर पोर्ट चाइना बना रहा है। ओके, और चाबहार पोर्ट इंडिया बना रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी हो रही एक्टिविटीज़ है उस पर भी ध्यान रख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे चाइनीज़ शिप भी आएंगी, नेवल शिप्स आएंगी, चाइना की शिप्स भी आएंगी और यहाँ पे इंडिया की शिप आएगी। तो कहीं ना कहीं हम विल बी बिकम साइड बाय साइड। ओके, और ये भी देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान को एक्सेस मिल गया डायरेक्ट बिकॉज पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है और पाकिस्तान इंडिया को उसके रोड्स एक्सेस करने नहीं देता है बिकॉज पाकिस्तान फियर कर रहा है कि यहाँ पे इंडियन फेवर्ड गवर्नमेंट आ जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान डज नॉट अलाउ इंडिया टू एक्सेस हिज रोड्स टू अफगानिस्तान। तो चाबहार आने से क्या हो गया कि इंडिया इज बाईपासिंग पाकिस्तान टू एक्सेस अफगानिस्तान। तो आपका ये 2017 का UPSC क्वेश्चन है कि चाबहार पोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। चाबहार पोर्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि इंडिया इज एबल टू बाईपास पाकिस्तान टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पे जब अफ़गानिस्तान आ जाएंगे तो अफ़गानिस्तान के थ्रू हम क्या हो गया, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्री को भी एक्सेस कर पाएंगे। ये सब कंट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे नेचुरल गैसेस है, ओके, यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व्स भी है, तो ये सब चीज़ हम एक्सेस कर पाएंगे वाया चाबहार पोर्ट। ओके, फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ से हम एक हाईवे बना रहे चाबहार टू अफगानिस्तान। अगर हमको अफगानिस्तान को एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली हम एक हाईवे बनाएंगे। तो यहाँ पे उनका एक प्रोविंस है, ओके, तो यहाँ पे प्रोविंस है तो उसका ज़ारांज नाम, ज़ारांज कैपिटल है, और यहाँ पे एक डेलाराम है, तो वहाँ पे हम एक गार्लैंड रोड बना रहे। अब वो गार्लैंड रोड क्या है वो भी देखेंगे। ये है गार्लैंड रोड, ओके, तो ये है गार्लैंड रोड। अब इससे क्या है कि चाबहार से थ्रू हम ईरान, यहाँ से चाबहार टू अफगानिस्तान रोड डेवलप कर रही है, और फिर ज़ारांज पे जैसे ही रोड आ गया तो वहाँ से हम डेवलप कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से डेलाराम जा रहे हैं, डेलाराम से हेरात प्रोविंस है, और ये यहाँ से क्या है कांधार, काबुल, मज़ार शरीफ। अब आपको नोटिस किया होगा कि अफ़गानिस्तान के जितने भी बॉर्डरिंग प्रोविंसेस है वहाँ पे हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है एक और चीज़ है कि इंडिया को एक्सेस मिल रहा है टू दी बॉर्डरिंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान, ओके, एज वेल एज अफगानिस्तान के भी अफगानिस्तान को भी एक सिक्योरिटी होगा कि यस नाउ माय प्रोविंसेस आर कनेक्टेड। और एक और चीज़ है कि कांधार, काबुल, ये सब कहाँ, पाकिस्तान को काफ़ी नज़दीक है, तो वी कैन कीप एन आई ऑन पाकिस्तान ऑल्सो। और ये जो मज़ार शरीफ है इट इज़ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, हेरात इज़ ऑल्सो गेटवे टू सेंट्रल एशिया एज वेल एज ईरान। ईरान में तो हम वैसे भी है, ओके, तो ये एक रीज़न है चाबहार और ये डेलाराम ज़ारांज हाईवे का, ओके। फिर उसके बाद नॉर्थ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टी, अब ये क्या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। मल्टी मॉडल मतलब क्या? मल्टी मॉडल मतलब शिप्स भी यूज़ होंगी, रेलवेज भी यूज़ होंगे, एयरवेज भी यूज़ होंगे, एज वेल एज रोड्स भी यूज़ होंगे। तो मेजरली शिप्स, रेलवेज एंड रोड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके। तो इट इज इनिशियली स्टार्टेड एज आइडिया ऑफ, अब इसका लोकेशन एक मिनट देख लो। अब ये कैसे स्टार्ट हुआ? इनिशियली इंडिया, ईरान और रशिया ने बोला कि हम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे और उसकी कनेक्टिविटी करेंगे, ओके। फिर उसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज हैं यहाँ पे, अजरबैजान, आर्मेनिया। अजरबैजान आर्मेनिया का भी अब इशू चल रहा है, तो वो भी देखो। यहाँ पे कजाकिस्तान है, ओके। तो ये लोकेशन जो है सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट की काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ओके। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ओके। सो दिस इज़ मंगोलिया, दिस इज़ चाइना। अब यहाँ से क्या है कि इंडिया ईरान के थ्रू जा रहा है कहाँ पे, रशिया में जा रहा है, और फिर उसके साथ साथ जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ है जैसे अजरबैजान हो गया, ओके, आर्मेनिया हो गया, ये भी हमको एक्सेस दे रही है। और उसके बाद हम कहाँ पहुँच रहे हैं? रशिया में पहुँच रहे हैं। रशिया में पहुँच के, एक बार हम रशिया में पहुँच गए तो वी आर एबल टू एक्सेस यूरोप की मार्केट हमको एक्सेसिबल हो जाएगी, बिकॉज हमारे गुड्स डायरेक्टली बाय रोड मॉस्को पहुँच रहे हैं। और मॉस्को से क्या है, फिर हम यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से बाय सी रूट वी आर ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड, ओके। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। पहले कैसा था, अगर हमको रशिया जाना था तो पहले हम कैसे जाते थे? पहले हम जाते थे यहाँ से बाय सी रूट, यहाँ पे स्विस चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे हम, कितना बड़ा रास्ता हो गया ये, यहाँ से जाओ अमन, फिर यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स का एक इशू हो जाता था, ओके। फिर यहाँ से जाओ, फिर मेडिटेरियन सी से फिर घूमते, तो इसको काफ़ी टाइम लग जाता। बट दिस इज़ अ डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्टली हम मॉस्को पहुँच रहे हैं, ओके। सो ये रीज़न था, ओके, एक कनेक्टिविटी हो जाए रोड, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट था इसके लिए, ओके। तो आई गेस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर भी समझ में आ गया, ज़ारांज डेलाराम हाईवे भी समझ में आ गया, और एक अशगाबाद एग्रीमेंट भी देख लेंगे। अभी अशगाबाद, इंडिया ने क्या बोला अशगाबाद एग्रीमेंट में, इंडिया बोला कि यस वी आर, इंडिया 2018 में इसका मेंबर बोल गया था। अशगाबाद एग्रीमेंट इज बिटवीन, इट इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ओके, अब किसके बीच में, सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ, एक मिनट, पर्शियन गल्फ की भी कंट्रीज देख लेंगे। तो दिस इज पर्शियन गल्फ। अब ये पर्शियन गल्फ है, दिस इज पर्शियन गल्फ। और सेंट्रल एशिया, एक है ऑयल प्रोड्यूसिंग, एक है ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, एक है नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन। ओके, अब पर्शियन गल्फ की कंट्रीज देख लो, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतार है, यूएई है, और यहाँ पे ओमान छोटा सा। ओके, अब यहाँ पे एक होम स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ होमरूस, इसकी भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है, कभी कभार क्या करता है ईरान ब्लॉक कर देता है, तो जो सऊदी अरेबिया और बहरीन, कुवैत, इराक जो है ये इंडियन ओशन को नहीं आ पाते। ओके, जो मेजरली सऊदी अरेबिया तो को एक्सेस हो जाता है टू ये रेड सी, बट जो कुवैत है, बहरीन है, कतार है, यूएई है, उसको अगर इंडियन ओशन एक्सेस करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कभी कभार ईरान क्या है ब्लॉकेट लगा देता है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ होमरूस छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। और एक और चीज़ है कि इट इज़ ए पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये मिला रहा है। तो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेट ऑफ होमरूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ही बहुत सारे जो ये कुवैत के हैं ऑयल जाते हैं। ओके, तो पर्शियन गल्फ भी देख लिया हमने, नौ इंटरनेशनल अशगाबाद, फिर अभी क्या देख रहे थे हम, अशगाबाद एग्रीमेंट देख रहे थे। तो आई गेस पर्शियन गल्फ भी क्लियर है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड ये भी क्लियर है कि सेंट्रल एशिया क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वही है कि अशगाबाद एग्रीमेंट में बोला उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, कतार क्या करेंगे, मल्टी इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांजिट कॉरिडोर मतलब क्या है कि दे विल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो सबको अवेलेबल होगी। फिर कतार ने विड्रॉ कर दिया बिकॉज ऑफ सऊदी प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे ईरान था। ओके, फिर उसके बाद कजाकिस्तान एंड पाकिस्तान ने भी बोला वी ऑल्सो वांट टू जॉइन दिस कॉरिडोर, हमको भी एक्सेस मिलना चाहिए आपकी कंट्री का। फिर उसके बाद इंडिया ने भी 2018 में एक्सेस मंजूरी ले ली कि वी ऑल्सो वांट टू जॉइन, बिकॉज पहली बात क्या है सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल गैस, और फिर अदर मिनरल्स, यूरेनियम के लिए भी है, एलपीजी सब उसके लिए भी है। तो सेंट्रल एशिया इज इम्पॉर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ओके, तो वही है। फिर एक लेस्पी लूजी कॉरिडोर, वही है, वह अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की के बीच में वही है। तो आई गेस सब कॉरिडोर आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो है, जैसे ये हो गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये तो आपको वैसे भी याद रखना है बिकॉज इंडिया का है। फिर आपको SCO देखना है, हमने SCO देख लिया। फिर उसके बाद हमने चाबहार पोर्ट का भी इम्पोर्टेंस देख लिया, एक अशगाबाद एग्रीमेंट भी देख लिया, फिर पर्शियन गल्फ भी देख लिया हमने थोड़ी, और एक स्ट्रेट ऑफ होमरूस भी देख लिया। ओके, आई गेस ये सब सबको क्लियर है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर हम नेक्स्ट 12 नवंबर की थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेंगे। ओके, तो 12 नवंबर की न्यूज़ देख लेंगे। तो ऑल्सो इट इज़ कवर्ड फ्रॉम हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, PIB से थोड़ी बहुत रेलेवेंटली है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, आदित्य मिशन देख लेंगे, व्हाट इज आदित्य मिशन। फिर यहाँ पे एक झारखंड देखेंगे, इट इज़ आस्किंग सेपरेट रिलीजियस कोड फॉर सारना ट्राइब्स, ये देख लेंगे। एक हिमाचल की चमूरी हाउस देख लेंगे, ऑपरेशन थंडर क्या है, और उसके साथ एक और है कि ये नेशनल एजुकेशन डे क्या। तो पहले हम देख लेंगे आदित्य मिशन क्या है। तो आपने एक उदय स्कीम सुना होगा, उदय स्कीम, ओके, उसका नाम यहाँ पे भी है उज्ज्वल डिस्कॉम, यहाँ पे उसका नाम दिया फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ओके, अब उदय स्कीम में क्या था कि जो भी जो डिस्कॉम कंपनी से, जैसे जो ये अपने पावर स्टेट ओन्ड पावर जनरेटिंग कंपनीज थी या पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज थी जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी स्टेट ओन, तो क्या उसमें क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके लॉसेस ले लेंगे। ओके, जो जितना भी लॉस हो रहा है ये डिस्कॉम कंपनीज को, वो उनका जो लॉस कौन ले लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या, जितना भी लॉस हो रहा है उनको उसका पैसा कौन दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसे दे देगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इस डिस्कॉम कंपनीज का क्या है कि उनके पास पैसे आ जाएगा। जब पैसे आ जाएंगे तो वो बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएगी। ओके, उनका क्या है कि उनकी जो बुक है उनका जो बैलेंस अकाउंट है वो भी अच्छा हो जाएगा। बैलेंस अकाउंट अगर अच्छा हो जाएगा तो उनको लोन्स वोन्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। बैंक विल ऑल्सो ट्रस्ट देम कि यस द बुक मतलब क्या कि उनका जो प्रॉफिट और जो लॉस का जो सीन है वो भी सही है, बैलेंस है। तो ये था। फिर आदित्य मिशन आई गेस उदय मिशन समझ में आ गया सबको कि क्या था कि पावर स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, उनके जितने भी लॉसेस थे स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से ले लिए, मींस दे स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द फंड्स। ओके, और अगर उन कंपनीज के पास फंड आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, बेटर फैसिलिटीज़ देंगे लोगों को। बेटर फैसिलिटीज़ मतलब क्या कि वो जो ट्रांसमिशन लॉस होता है उसको देख पाएंगे। ओके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। और एक और चीज़ हो जाएगा उसके बाद क्या, इनकी जो बैलेंस अकाउंट है, इनका जो बैलेंस है ईयरली बैलेंस अकाउंट वो भी देखा जाएगा। उसमें भी क्या है कि प्रॉफिट लॉस ज़्यादा नहीं होगा, तो बैंक विल ट्रस्ट देम कि यस ये जो कंपनी है डिफॉल्ट नहीं करेगी लोन्स पे, बिकॉज बैंक ऑल्सो फियर कि एनपीए का एक इशू है। ओके, तो ये उदय स्कीम था। अब आदित्य मिशन क्या है? आदित्य मिशन है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ उदय। ओके, एक्सटेंशन ऑफ उदय प्लस दे आर प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो ये डिस्कॉम कंपनीज है। तो आदित्य मिशन वही है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ उदय स्कीम एज वेल एज दे आर प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम हो सके जितना। अब उसमें क्या बोला गया है कि उदय स्कीम में क्या दिया, आदित्य स्कीम में क्या दिया जाएगा कि वो टारगेट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस है वो लेस देन 12% हो जाए। इंडिया में अभी काफ़ी हाई, अराउंड 20 के परसेंट के या 24 के परसेंट के आसपास है। फिर हो गया जो नेगेटिव टैरिफ गैप्स है वो भी कम किया जाए। फिर एक कंपलसरी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग हो। ओके, स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट क्या है? स्मार्ट मीटरिंग, ओके, हर आप देखा होगा कि हर महीने कोई ना कोई आपके आके रीडिंग लेके जाता है। ओके, कोई ना कोई आके रीडिंग लेके जाता है। बट स्मार्ट मीटरिंग में क्या होगा, आप अपनी रीडिंग ऑटोमेटिकली, मतलब रीडिंग तो आप देख ही सकते हो, स्मार्ट मीटरिंग में क्या दे विल कैलकुलेट योर रीडिंग वहीं पे। ओके, और उसमें भी क्या है कि आपको व्हाट्सएप किया जाएगा कि आपका बिल कितना है डायरेक्टली, कभी भरना है, ड्यू डेट्स क्या है, आपने कितना यूज़ किया है, फिर कैलकुलेशन वो आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। ओके, फिर दूसरा क्या है विथ मोर देन 80% AT&C लॉस। अब ये क्या है, AT&C लॉस एक ट्रांसमिशन लॉस है और एक एनर्जी लॉस है। ओके, ट्रांसमिशन लॉस में तुम्हारा ये होगा कि जो कोई चोरी कर लेता है, या अगर जब सेंड कर रहे हैं तो पावर कट हो गया, फेलियर हो गया, यही है AT&C लॉस। ओके, तो इसको बोला कि उनको क्या कर दिएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे रन किया जाए या आप इसको इम्प्रूव करोगे। यही सब उसके छोटे छोटे फीचर्स हैं, वो हम देख लेंगे, वो आप देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आई गेस आदित्य मिशन सबको क्लियर है। आदित्य मिशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ उदय स्कीम, ओके, एज वेल एज दे आर प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स। ओके, अब ये क्या है, ऐसा भी बोल सकते हो कि आदित्य मिशन इज अ प्राइवेटाइजिंग उदय स्कीम। ओके, ऐसा भी बोल सकते हो। अब देखेंगे झारखंड इज सीकिंग सेपरेट रिलीजियस कोड फॉर सारना ट्राइब्स। ओके, अब ये हमेशा याद करना कि यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी ऑलवेज गिव, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते कि ट्राइब्स दिया होंगे। ओके, एक पर्टिकुलर ट्राइब दिया होगा और एक स्टेट दिया होगा, और आपको मैच करना है, यार पूछा होगा कि ये स्टेट में ये ट्राइब्स मिलता है कि नहीं। ओके तो यहाँ पे एक सारना ट्राइब है झारखंड में, उन्होंने क्या किया, स्पेशल सेशन लिया उनके लिए और बोला कि इनको अब एक रिलीजियस कोड दे दो, इनकी एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके आप देखेंगे कि सारना रिलीजन क्या है। ओके तो बेसिकली क्या है कि हम हर रिलीजन, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो दे वर्शिप क्या, एक ह्यूमन फॉर्म। ओके ह्यूमंस को वर्शिप करते, जैसे फॉर एग्जांपल गॉड हो गया, तो गॉड वाज अल्टीमेटली व्हाट, हमारे जैसे ही दिखने वाले बट ही हैज पावर्स। ओके बट सारना रिलीजन में क्या है, सारना विल नॉट वर्शिप समवन लाइक दिस। सारना क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट है, ओके फॉरेस्ट को वर्शिप करेंगे, माउंटेन्स को वर्शिप करेंगे, रिवर्स को वर्शिप करेंगे। तो वही बोला गया कि दे पुट देयर फेथ इन जल, जंगल एंड जमीन। ओके वो क्या बोलेंगे कि जंगल हमको सब रिसोर्सेज, जल जो है पानी है, इट इज़ गिविंग यू लाइफ, पानी नहीं पियोगे तो मरने के चांसेस है। जंगल क्या आपको शेल्टर दे रहा है और रिसोर्सेज, और ज़मीन क्या है, खाना वाना प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो ये उनकी बिलीफ। और हिल्स क्या है, हिल्स आर प्रोटेक्टिंग द एरियाज जहाँ पे वो रहना है, इनकी ये बिलीफ है। अब झारखंड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या बोला, एक और चीज़ है कि इट इज़ ऑल्सो, जो सारनाज है, इट इज़ ऑल्सो कम अंडर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये क्या है वो भी देख लेंगे। ओके अब यहाँ भी बोला है कि झारखंड में क्या है, 32 ट्राइबल ग्रुप्स है, उनमें से 8 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ओके क्यों है, बिकॉज एक कन्वर्जन का बहुत चलन है। ओके कन्वर्जन का चलन, जो ट्राइब्स है दे डोंट फॉलो एनी मेजर रिलीजन का। अब जैसे सारना ही है, वो क्या कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट बेसिकली नेचर को वो वर्शिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, हिंदू प्रीस्ट चले जाएंगे, मुस्लिम चले जाएंगे, मुस्लिम मौलाना चले जाएगा, क्रिश्चियन सेंट्स चले जाएंगे, और वो क्या करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, आप हमारे रिलीजन में आ जाओ, आपको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे घर दिया जाएगा, खाना मिलेगा हर साल, थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे। तो ये लालच देके उनको बोलेंगे आप हमारे रिलीजन में आ जाओ। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो सारना ट्राइब है, उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका रिलीजन, उनका मतलब उनकी फेथ, और दूसरे रिलीजन में जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनका सारना ट्राइब का पॉपुलेशन कम हो रहा है। ओके जितना पॉपुलेशन कम होगा, उतना ये ट्राइब के जो कल्चर है, इतना जो फेथ है, वो उतना कम हो जाएगा। ऐसा भी होगा कि फ्यूचर में जाके ये ट्राइबल है, यह जो थॉट है ये एक्सटिंक्ट हो जाए। ओके तो इनको ये चीज़ से बचाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट इनके लिए रिजर्वेशन मांग रही है। ओके तो यही बोला गया है यहाँ पे। अगर अब उसमें क्या है कि जो कन्वर्ट हो जाता है तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो इज एक माइनॉरिटी है क्रिश्चियनिटी, तो उनको उसका स्टेटस मिल गया, तो उनको उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ओके और फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आ जा रहा है। ओके अब यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि झारखंड में उनका पॉपुलेशन वाज अराउंड 83% इन 1931 में, और अब 26% हो गया इन 2011। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया इनके पॉपुलेशन में। तो उन्होंने रीज़न क्या बोला कि एक और है कि बहुत सारे लोग इनके दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम करने को, तो उनके बारे में नहीं देखा जाता, और दूसरा है कि सम आर गेट कन्वर्टेड। ओके अब इसमें ये बोला गया है कि अराउंड 50 लाख लोग हैं जो ये सारना फेथ से बिलीव कर रहे हैं। ओके ये सारना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो ओके तो सेंसस 2011 में इनके लिए अलग कॉलम नहीं था, इनको हिंदू ट्राइब्स में आ गया था। अब उनको बोला कि इनको एक अलग आइडेंटिटी दे दो, उसकी बात की जा रही है। अब पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है, ट्राइब, अब यहाँ पे पता है कि ट्राइबल है, इट इज़ व्हाट पर्टिकुलरली वनरेबल है, मतलब क्या है, एक्सटिंक्शन का उनको इशू है, थ्रेट हो सकता है, दे कैन फ्यूचर में 100 साल बाद शायद ये ट्राइब ना हो, तो इसका थ्रेट है इनको। ओके वैसे ही बोला जा रहा है कि इंडिया में टोटल, अब यहाँ पे क्या स्पेक्ट्रम दे रहा, सर्टन ट्राइब 75 ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया में। ओके अब वो क्या है, प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी, अब वो क्या है, वो मॉडर्न टूल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब वो एग्रीकल्चर के लिए जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है उससे भी नीचे का टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ओके जैसे आपने देखा होगा स्टोन एज के जो टूल्स होंगे उस हिसाब के टूल्स यूज़ करते हैं। ओके पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, वो कैसे डिक्लाइन हो रहा है वो भी देख लिया हमने। ओके और लो लिटरेसी रेट है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि ट्राइब है, जंगल में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है स्कूल वूल का एक्सेस नहीं होगा इनको, ओके। फिर ऑल्सो क्या है कि इकोनॉमी में इनका वो बहुत कम है, ओके। तो सबसे ज़्यादा वनरेबल है ये, ओके, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब का ये हो गया कि दे आर इन फियर, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन का है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत फैक्ट्स दी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल कैटेगराइज कौन सी ट्राइब पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब में नहीं आएगी। फिर उसमें बोला है कि टोटल जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स है 18 स्टेट्स में प्रेजेंट है और अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, ओके, ये है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लुक आफ्टर देम। तो ये आई गेस सारना ट्राइब क्या है, आई गेस ये भी क्लियर है सबको। फिर उसके बाद हम देखेंगे एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में आ जाए। एक हिमाचल का चामुर्ती हॉर्स इज इन न्यूज। अब क्यों न्यूज़ है? बिकॉज इनका पॉपुलेशन बढ़ गया, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इंडियन ब्रीड्स के बारे में बहुत बोला जा रहा है, ओके। तो एक हॉर्स ब्रीड्स है और एक डॉग ब्रीड्स है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लास्ट मन की बात में इंडियन डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करने की बात की थी, एक लिस्ट दी थी कि कौन से इंडियन डॉग्स हैं, कौन से स्टेट में आते हैं, वो भी देखना पड़ेगा आपसे हमको। बट अभी अभी न्यूज़ में क्या है, हॉर्स न्यूज़ में, तो इसलिए हम हॉर्स देख रहे हैं। तो ये चामुर्ती हॉर्स इज नथिंग बट इट इज़ वॉट यू से इंडिजिनियस टू हिमाचल प्रदेश में जाया जाता है। तो वैसे ही इंडिया के दूसरे दूसरे स्टेट्स है, वहाँ पे उनके हॉर्सेज है, वो देख लेंगे, ओके। अब ये चामुर्ती हॉर्स की स्पेशलिटी क्या थी? पहले इसका पॉपुलेशन वॉज रैपिडली डिक्लाइनिंग, ओके, बिकॉज ऑफ इंक्रीज रोड नेटवर्क्स। अब आप जब भी अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हिमाचल गए होंगे या कोई भी हिली स्टेट गए होंगे तो हॉर्स का काफ़ी यूज़ होता है, ओके, फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज हॉर्स का फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेल एज होता है, टूरिज्म के लिए होता है, ओके, और वहाँ के लोकल लोगों के लिए हॉर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू डे लाइफ। अब बट क्या है, बट अब इन रोड्स पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे रोड पेनिट्रेट कर रहे हैं तो वैसे वैसे व्हीकल्स भी पेनिट्रेट कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, हॉर्स काम ही नहीं आ रहा। जब हॉर्स का यूज़ ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है लोग हॉर्स क्यों रखेंगे। तो इससे क्या है, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था, बट नाउ उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको चामुर्ती बोलते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड स्पीति हॉर्स। आपने सुना होगा हिमाचल में स्पीति वैली एक है, ओके, स्पीति वैली, इट इज़ नियर टू मनाली, कुल्लू मनाली के नियर आती है स्पीति वैली, ओके। फिर ये क्या इंडिजिनियस ब्रीड है। फिर हम देखेंगे दूसरे स्टेट से क्या है। तो एक भूटिया वैरायटी ऑफ ब्रीड है, वो कहाँ की? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। तो एक बार क्या करना, आप गूगल पे इनका नाम डाल देना भूटिया हॉर्स, तो आपको फ़ोटो आ जाएगी, तो फ़ोटो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ओके। अब फिर है काठियावाड़ी हॉर्स गुजरात में है, मणिपुरी हॉर्स, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर। मारवाड़ी हॉर्स तो ऐसे ही राजस्थान आ जाएगा, मारवाड़ी तो राजस्थान में ज़्यादा है। स्पीति जो चामुर्ती हॉर्स हिमाचल प्रदेश। झांसकरा में पता चल गया जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर। एंड कच्छी सिंधी हॉर्स, तो अब कच्छी और सिंधी गुजरात और राजस्थान में हो जाएगा। तो ये अगर मैच द फॉलोइंग आया, यूपीएससी में पूछा कि आपको कौन सा ब्रीड कहाँ पे है, तो आप शायद आपको ये इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो, ओके। फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया है कि एज इट इज़ फाउंड इन लद्दाख, हिमाचल, तिब्बत, ये सब। तो ये सब आप खुद से पढ़ सकते हो, ओके। फिर एक ऑपरेशन थंडर एक न्यूज़ में था। व्हाट इज़ ऑपरेशन थंडर? अभी ये क्या है कि ऑपरेशन थंडर इट इज़ ऑपरेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्राइम्स। तो जैसे जो ये जानवर के जानवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, ये जो जानवर के ऑर्गन्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ में आते हैं कि एलिफेंट टस्ट, फिर तुम्हारे टाइगर के क्लॉज, ओके, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं या इंपोर्ट होते हैं। तो ये ऑपरेशन थंडर क्या था? ऑपरेशन थंडर क्या था कि ये जो रैकेट चलता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड का, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम्स का, इसको पकड़ना था। तो ऑपरेशन थंडर वॉज डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल में किया गया था। बहुत सारी कंट्रीज मिल के एक ही साथ इन्होंने बहुत सारे रैकेटों पर रेड मारा। तो यही है ऑपरेशन थंडर। तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था तो ऑपरेशन थंडर में। तो वही है कि इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे 18 टन्स का एक शिपमेंट लिया शिपमेंट जब्त किया वो था रेड सैंडलवुड का, ओके, जो यूएई जा रहा था। ओके, सो ऑपरेशन थंडर क्या था, एक मंथ लॉन्ग प्रोसेस था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट की। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 103 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। इसका थोड़ा एनालिसिस देख लेंगे तो इट हेल्ड बिटवीन सितंबर 14 टू अक्टूबर 11। अब इसमें क्या था कि ऑलमोस्ट इसके अचीवमेंट क्या ऑपरेशन थंडर के कि मोर देन 2000 सीजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, इलीगल प्रोडक्ट्स पकड़े गए। ओके, तो इट वाज वर्ल्ड लेवल पे, इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल। ओके, इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल, और इंटरपोल प्लस जो कंट्री में हो रहा होगा उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरपोल वाज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन कंट्रीज कि ये होना चाहिए। ओके, तो इंटरपोल वाज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन कंट्रीज, और कंट्रीज के अंडर उनकी खुद की जो फोर्सेज होंगी। ओके, तो अब इंटरपोल क्या है वो भी देख लेंगे। तो मेजरली जो स्पीशीज़ थी वो स्पीशीज़ कौन थी, जो साइट्स मिशन है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो वो स्पीशीज़ पे फोकस किया गया था। ओके, फिर इंडिया में एक बोर्ड है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी मल्टीडिसिप्लिनरी बोर्ड established by Government of India under the Minister of Environment and Forest। अब उसका काम क्या है, टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्राइम होगा तो कौन देखेगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देखेगा। ओके, इसको भी बोलेंगे CBI ऑफ एनवायरमेंट भी बोल सकते हो आप। ओके, अब वो किसके अंडर फॉर्म हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, फिर इसमें क्या है कि टू कलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज, अगर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है तो क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में ही बात करेगा, तो उसमें क्या है, ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में बात किया है, स्टेट्स के बीच में कोऑपरेट करेगा, वही एक सेंट्रलाइज डेटा बैंक बनाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम के ऊपर और कोऑर्डिनेट करेगा विद डिफरेंट एजेंसीज ऑन वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। ओके, यही सब है। उसमें लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम। ओके, फिर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेगा। इट की विल ऑल्सो हेल्प स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट जो भी मुजरिम है उसको सज़ा मिले। ओके, यही है वाइल्ड लाइफ क्राइम। आई गेस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, उसने बहुत सारे ऑपरेशंस किए इंडिया में, तो एक है ऑपरेशन सेफ कुरमा। ओके, स्पीशीज़ जो है उसमें क्या था कि पोचिंग और इलीगल ट्रेड के अगेंस्ट उसने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे। उसका एक फर्स्ट नोटेबल था कि ऑपरेशन सेफ कुरमा, तो उसमें क्या जो टर्टल्स एंड टॉर्टोइज को रिलेटेड इलीगल पोचिंग और इलीगल ट्रेड हो रहे थे उस पर उसने ध्यान दिया। फिर एक था ऑपरेशन थंडरबर्ड। ऑपरेशन थंडरबर्ड क्या था, मल्टी स्पीशीज़ ऑपरेशन था वो। ओके, अब वो क्या था, विथ इंटरपोल प्लस दूसरी कंट्रीज प्लस अपना ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, प्लस उसने क्या ऑपरेशन वाइल्ड नेट। ऑपरेशन वाइल्ड नेट में क्या था, ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो थे वो उसको बस्ट किया। फिर उसके बाद था ऑपरेशन लेस नोन, जो स्पीशीज़ के बारे में, जो ऐसा भी नहीं होगा ना कि सिर्फ टाइगर ही और एलिफेंट भी होगा ट्रेड, उसके बाद कोई दूसरी स्पीशीज़ होगी जिसके बारे में नहीं पता होगा कि ये इसका भी व्यापार हो रहा है, तो वो जानने की कोशिश की, उसके लिए ऑपरेशन किया। फिर ऑपरेशन बिरबिल, मतलब क्या, जो बिग कैट्स, बिग बर्ड्स, फॉर एग्जांपल जैसे अपने बिग कैट्स में आ गए तुम्हारे टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, उसकी ट्रेड, या फिर बिग बर्ड्स में आ गए तुम्हारा GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक, ये सब चीज़ें के बारे में इन्होंने किया। फिर ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म आ गया, सेम टिम्बर के लिए था ये। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ही हैश टू शॉ स्मगलिंग था, ये एक स्पीशीज़ है, स्केल बहुत होता है। ओके, उसके बारे में था ये। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस किए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड ने, तो सब ऑपरेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो रेलेवेंट और जो की है। तो जैसे ऑपरेशन सेफ कुरमा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। फिर एक ऑपरेशन क्लीन आर्ट भी किया था। ओके, मंगूस हेयर जो होता है। तो वैसे आपको सिर्फ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखोगे तो हो जाएगा। ओके, और जो न्यूज़ में होगी। ओके, फिर फॉर दिस अचीवमेंट्स जो इतनी सारी ऑपरेशंस किए थे फॉर अचीवमेंट। यूनाइटेड नेशन ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड को अवार्ड दिया, ओके, एशिया एनवायरमेंट अवार्ड दिया, ओके, फॉर हिज एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्बैक्टिंग ट्रांसबॉडी एनवायरमेंटल क्राइम्स। तो ये ऑपरेशन सेव कुरमा के लिए मिला गया था बिकॉज इट वाज जो टर्टल ट्रेड है, टर्टल पोचिंग है, उससे क्या हो रहा था, दूसरी कंट्रीज में जा रही थी, ओके, बिकॉज टर्टल भी ऐसा माना जाता है फॉर ब्लैक मैजिक इट इज़ यूज, ओके। तो ये सब चीज़ था। तो आई गेस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड भी क्लियर है, उसके जो ऑपरेशंस है वो भी क्लियर है, ओके। फिर हम इंटरपोल देख लेंगे। अब इंटरपोल क्या है, ओके, इंटरपोल इज वर्ल्ड पुलिस। फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरपोल क्या है, वर्ल्ड की पुलिस है ये, ओके, वर्ल्ड की पुलिस है, पुलिस फोर्स है, ओके। इंटरपोल का काम क्या है कि इट इज पहला है कि कोऑर्डिनेट्स विद द कंट्रीज फॉर ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड टेररिस्ट क्राइम, ओके। टेररिस्ट अटैक हुआ होगा सपोज, अगर जैसे इंडिया में टेररिस्ट अटैक है, पाकिस्तान अभी हम क्या बोलेंगे पाकिस्तान ने किया है, अगर कोई टेररिस्ट दूसरी कंट्री में छुप रहा है तो इंडियन पुलिस नहीं जाएगी, CBI NI नहीं जाएगी, CBI NI क्या करेगी, इंटरपोल को बोलेगी कि प्लीज़ आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, इनके बारे में इनको आप इनको पता कीजिए, इनको इसका जो भी कंट्री है कंट्री को हेल्प करिए इसको कॉम्बैट करने में। तो वही काम है। तो इंटरपोल क्या है कि इंटरपोल 3 क्राइम देखती है, टेररिज्म, साइबर क्राइम पे और कैसे, और ऑर्गेनाइज इमर्जिंग क्राइम। तो उसकी 3 डिफरेंट चेंज है, 3 डिफरेंट ब्रांच ऑर्गन्स है जो डिफरेंट चीज़ ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए देखती है। तो एक विंग उनकी काउंटर टेररिज्म देखेगी, एक विंग साइबर क्राइम देखेगी और एक वीक ऑर्गेनाइज्ड और जो फ्यूचर उनको लगता है कि ये शायद क्राइम होगा फ्यूचर में, ये देखेगी। फिर यह करेगी फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक। अब ये कहेगी कोऑपरेट करे, पहला काम है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज। तो सपोज जो कंट्री के बीच में क्या बोला डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो इसराइल और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, बट दोनों बिकॉज इसराइल के खिलाफ अगर कोई या ईरान के खिलाफ कोई टेररिस्ट अटैक हुआ होगा या कुछ क्राइम क्रिएट हुआ होगा तो इंटरपोल इन्वेस्टिगेट करेगी, ओके। तो ये चीज़ है, इंटरपोल का काम क्या है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी क्राइम हो रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इंटरपोल करेगा, ओके। दे विल फॉलो सम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कोई राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो राइट्स क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। एक उन पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोहिबिट कर रहा है टू इंटरवेन इन एनी एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और रेशियल कैरेक्टर, इस पे नहीं देखेगा, ओके। इस पे कोई कंट्री के सपोज फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में कुछ पॉलिटिकल क्राइम हो गया, ओके, तो इंटरपोल इंटरवीन नहीं करेगा, वहाँ की नाइजीरिया की पुलिस ही करेगी, ओके। फिर ये अब रिसेंटली स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड सोलोमन आइलैंड हैज बिकम द इंटरपोल मेंबर कंट्री। अब इंटरपोल क्या करता है कि अलर्ट है, कंट्रीज को इन्फॉर्म करना है कि आपके इधर जो आया इंसान आया है माइग्रेशन, अब वो क्रिमिनल है या नहीं है, तो उसके लिए नोटिस इशू करता है, ओके, नोटिस इशू करता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट उनका है रेड नोटिस। रेड नोटिस क्या करेगा, रिक्वेस्ट टू लोकेट and provisionally arrest an individual pending extradition. For example, नीरव मोदी या जैसे वो स्वामी जो अभी स्वामी नित्यानंद के खिलाफ हुआ था ये रेड नोटिस, ओके, स्वामी नित्यानंद के खिलाफ रेड नोटिस। तो अब स्वामी नित्यानंद का कोई लोकेशन किसको पता नहीं था बट कंट्री पता थी, तो क्या किया इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। अब उससे क्या है कि कंट्री को उनका लोकेशन बताना पड़ेगा टू द इंटरपोल कि यस ये आदमी ये यहाँ पर रह रहा है, ओके। तो ये रेड नोटिस का काम ये है बिकॉज उनके खिलाफ ये भी है एक्स्ट्रैडिशन। फॉर एग्जांपल विजय माल्या के अभी क्या है कि विजय माल्या को आप इंडिया लाने की बात कर रहे हैं, ओके, बट उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रैडिशन प्रोसेस है कि जो विजय माल्या लंडन UK चला गया उसको आप इंडिया भेजो, इंडियन मतलब गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है। तो उसके खिलाफ पेंडिंग केसेस है। अब सबको पता है विजय माल्या की लोकेशन पता है बट अचानक विजय माल्या गायब हो गया, तो इंडियन गवर्नमेंट इंटरपोल को बोलेगी कि यू गिव अस द लोकेशन, तो इंटरपोल क्या करेगी, यूके की गवर्नमेंट को क्या नोटिस देगी, क्या देगी, रेड नोटिस देगी, आप उसको पता करिए कहाँ है, और अगर पता चल गया तो आप इसको टेम्परेरी इसको अरेस्ट करिए, ओके, सो दैट ही कैनॉट रन इन फ्यूचर। रेड नोटिस का काम यही है। तो ये इट इज़ नॉट अ वारंट, इट इज़ जस्ट एन इशू, ओके। इंटरपोल वारंट नहीं निकालता, सिर्फ वो कंपेल करता है, बिकॉज एक इंटरपोल ने जब अगर किसी के लिए रेड नोटिस निकाला तो क्या हो गया, वर्ल्ड लेवल पे वो सबको, सब मेंबर कंट्रीज को पता चल जाएगा कि यस ये जो इंसान है ये कंट्री में है। अब अगर कंट्री एक्ट नहीं करेगी इस पर तो मॉरली क्या हो जाएगा कि दूसरी कंट्रीज के लिए ये कंट्री बैड लाइट में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यूके ने रेड नोटिस पे नहीं काम किया तो इंडिया के सामने तो वैसे ही यूके, इंडिया के नज़र में तो यूके वैसे ही ख़राब हो गया, और वर्ल्ड लेवल पे भी यूके की इमेज ख़राब हो जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग रूल्स। तो फ्यूचर में अगर यूके ने ऐसा कभी बोला इंडिया को करना है तो इंडिया ऑब्वियसली बात है मना कर सकता है, बिकॉज वे बोल सकता है कि आपने हमारे लिए नहीं किया तो हम आपके लिए क्यों करेंगे, ओके। तो ये रेड नोटिस का इसलिए सिंबॉलिक हो जाता है, ये बेसिकली ये भी जो नोटिस है सिंबॉलिक हो जाता है, बिकॉज वर्ल्ड लेवल पे अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे चीज़ पता चल रही है, अगर कंट्री नहीं करेगी तो दुनिया में बदनामी हो जाएगी कंट्री की, तो मॉरली ऑब्लिगेशन हो जाता है टू फॉलो। तो अप्रोक्सीमेट 160 इंडियन जो अभी है रेड नोटिस लिस्ट पे, ओके। फिर इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग हैं रेड लिस्ट पे, फिर उसके बाद अल्बेनिया है, अर्जेंटीना है, अजरबैजान है, एल साल्वाडोर है, और रशिया के लोग हैं। तो कभी सुना होगा जितनी भी आप क्या बोलेंगे हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ हैं तो कभी भी कोई रैकेट होगा या कोई भी रैकेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग रैकेट या वुमेन रैकेट या इलीगल रैकेट, तो वो हमेशा बोलेंगे अल्बेनियन कार्टल्स, अल्बेनियन माफिया, ये सब, ओके। इसलिए फिर वो ये इम्पोर्टेंस पूछा है। फिर एक ब्लू नोटिस है। अब ब्लू नोटिस क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन देंगे पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में, लोकेशन, और वो वहाँ पे क्या काम कर रहा है, ओके, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू क्राइम, ब्लू नोटिस। फिर वैसे ही ग्रीन नोटिस है, वो क्या करेंगे, वार्निंग देंगे और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे अबाउट द पर्सन हु हैज कम। और एक ग्रीन नोटिस का इशू क्या है कि आप वो कंट्री में जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल विजय माल्या इज इन यूके, तो ग्रीन नोटिस निकला तो वो यूके गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि देखो ये आदमी ने ये बैंक फ्रॉड किया है इंडिया में, शायद ये यूके में भी बैंक फ्रॉड करेगा, तो इससे आप सावधान रहो। तो कंट्री उस हिसाब से रेलेवेंट स्टेप्स ले लेगी। फिर एक येलो नोटिस है, हेल्प करेंगे लोकेट मिसिंग पर्सन। ऑफेंस जो कभी कभार बच्चे घूमने हो जाते हैं, सपोज अगर आप यहाँ से घूमने चले गए यूएस या आइसलैंड, यहाँ पे चले गए, फिर आप वहाँ पे जाके घूमोगे, लापता हो गए, इंडिया में लोगों को चिंता है, आप बहुत ढूंढा इंडियन एम्बेसी ने बट मिला नहीं, तो फिर क्या इंटरपोल को बोलेंगे, इंटरपोल क्या करेगी, येलो नोटिस निकालेगी टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सन। और फॉर टेररिस्ट के लिए भी होता ही है, मैंने आपको एक सिविलियन एग्जाम्पल दे दिया, एक टेररिस्ट के लिए भी होता ही है। फिर एक ब्लैक नोटिस है, ब्लैक नोटिस टू आइडेंटिफाई बॉडीज, ओके। फिर एक ऑरेंज नोटिस है, वैसे बहुत सारे नोटिस हैं इंटरपोल के, ओके। सो याद रखना कि अगर कोई ऐसा नोटिस आया, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, तो इंटरपोल मार्क कर लेना। फिर एक आ जाता है साइट्स मिशन, साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाशिंगटन मिशन, ओके, वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, नाम से पता चल रहा है कि साइट्स में क्या है कि जो भी ट्रेड होगा स्पीशीज़ के बीच में, तो वो सबसे पहली चीज़ उसकी सर्वाइवल को थ्रेट ना करे, और सबसे पहले दूसरा है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी सर्वाइवल पे असर ना हो, तो वही है। तो बोला ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना के बीच है, इट इज़ टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन इट्स सर्वाइवल। तो साइट्स मिशन यही है, ओके, रेगुलेट करता है ट्रेड स्पेशली, और वो भी करता है। तो साइट्स का इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज, ओके, उनको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ओके। फिर इसके भी थोड़े बहुत टाइप्स है कि हाँ इसमें 183 पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेचर। फिर इसमें आप भी बोलेंगे कि 5,800 एनिमल्स है, फिर 30,000 प्लांट्स है, ओके। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, साइट्स क्या है वो समझना इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर इसके थोड़ा डिटेल अपेंडिक्सेस होता है। पहला अपेंडिक्स में क्या है, जो भी स्पीशीज थ्रेटन होगी एक्सटेंशन पे, फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट इज़ अ थ्रेट एक्सटेंशन की इसमें थ्रेटन स्पीशीज है, तो इसका जो ट्रेड है मना कर देगी, ओके। इसमें ट्रेड कंट्री के बीच में ट्रेड की बात हो रही है, ओके। फिर अपेंडिक्स 2 है, अपेंडिक्स 2 में जैसे इट इज़ नॉट नेसेसरली थ्रेटन विद एक्सटेंशन, बट जो उसका ट्रेड है व्यापार कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं किया तो शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, ओके। फिर यहाँ पे आया कंटेन स्पीशीज दैट आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट इन वन कंट्री विच हैज़ आज द अदर साइड्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड। तो जैसे इंडिया में एक स्पीशीज होगी, इट इज़ बीन प्रोटेक्टेड, बट चाइना में नहीं होगी, ओके, चाइना में नहीं होगी। तो अब क्या है कि ये स्पीशीज़ का यहाँ से यहाँ ट्रेड हो रहा है, ऑफिशियली ट्रेड हो रहा है, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ। साइट्स डील्स विद ऑफिशियल ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज, इलीगल ट्रेड की बात नहीं करता, ओके। तो अब क्या आ रहा है, बिकॉज ट्रेड अलाउड है चाइना में, तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया में पोचिंग हो रही है, पोचिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई, इलीगल ट्रेड बढ़ जाएगा। तो इंडिया टू बैलेंस दिस, उसको पोचिंग और इलीगल ट्रेड होगा तो ऑब्वियसली उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो मतलब एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है इस स्पीशीज़ के। तो इंडिया चाइना को बोलेगा प्लीज़ आप भी आपने प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया और उसको जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करेंगे, ओके। ये भी क्लियर है, अपेंडिक्स भी क्लियर है, ओके। फिर एक है नेशनल एजुकेशन डे। अब जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनका जन्मदिन था 11 नवंबर को, ओके। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उनका बर्थडे है नवंबर 11 को, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इसलिए उसको नेशनल एजुकेशन डे घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद दूसरे दूसरे डेज है थोड़े, एक नेशनल गुड गवर्नेंस डे, वो अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फिर एक नेशनल साइंस डे है, वो CV रमन के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। फिर नेशनल टीचर्स डे आपको पता होगा 5 सितंबर को किया जाता है, वो क्या है, बर्थडे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे, ओके। वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको वर्ल्ड टीचर्स डे। और फिर वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। फिर अगर नेशनल यूनिटी डे सरदार पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। सो आई थिंक ये डेज भी क्लियर है, आज का डिस्कशन आप सबको क्लियर होगा, ओके। आई गेस मंडे को मिलेंगे, ओके। सो तब के लिए हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, अच्छे से मनाइए, हैव अ प्रॉस्परस दिवाली, ओके, प्रॉस्परस दिवाली, ओके। और आई होप सबके लाइफ में सक्सेस आए, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एन्जॉय करना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे मंडे को।